देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व सांसद और पूर्व विधायक समेत 10 वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये कार्रवाई पार्टी विरोधी गतिविधियों के बाद हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के निर्देश पर ये कार्रवाई हुई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी किए बयान में कहा गया है कि ये सभी बीते कुछ समय से पार्टी के निर्णयों पर अनावश्यक रूप से बैठक कर विरोध कर रहे थे, जिसके चलते अनुशासन समिति ने इन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने जिन 10 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला है उनमें पूर्व सांसद संतोष सिंह, पूर्व MLC सिरोज मेहंदी, उत्तर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रामकृष्ण द्विवेदी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सत्येंद्र त्रिपाठी, राजेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्रा, पूर्व विधायक विनोद चौधरी, पूर्व विधायक नेकचंद पांडे, उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष स्वयं प्रकाश गोस्वामी और गोरखपुर से पूर्व जिला अध्यक्ष संजीव सिंह शामिल हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की अनुशासन समिति ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर राज्य के 11 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अनुशासन समिति ने नोटिस पर जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया था। पार्टी के जिन 11 नेताओं को नोटिस जारी किया गया है उनमें से एक पूर्व सांसद संतोष सिंह और 2 पूर्व मंत्रियों के अलावा 5 पूर्व विधायक भी शामिल हैं। कारण बताओ नोटिस में आरोप लगाया गया है कि नेताओं ने कांग्रेस के फैसले पर अनावश्यक और सार्वजनिक तौर पर विरोध जताया, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।